हेलो गाइस, नया दिन नई शुरुआत, तो ऑल सेट। आज है मंडे 19th एंड मीशो आज वापस आ रहे हैं, तो हम लोग उनको ही पिक करने जा रहे हैं, इसलिए एकदम रेडी हो गए। मैं रेडी हो गई हूँ, छोटू भी रेडी हो गया है और बस अभी हम निकलते हैं। तो मैं आपको एक लुक दिखाती हूँ कि मैंने खाने में क्या बनवाया है। तो इधर बनवाई है मेथी की सब्जी, बिकॉज मीशो को एकदम फ्रेश खाना खाना था, इतने टाइम से वहाँ तो मिल नहीं रहा था अच्छे से, तो मैंने कहा कि आज मेथी की भाजी बनाओ, ये बहुत अच्छा बनाती है। तो वो और साथ में बनवाई है कड़ी और ज्वार की रोटी, तो मैं आपको ज्वार की रोटी भी दिखाती हूँ। ये ज्वार की रोटी है और ये मिर्ची का ठेचा जो महाराष्ट्र का फेमस है, ये आई थिंक मीशो उतना नहीं खाएंगे तो आई थिंक मैं खा लूंगी। तो बस ऑल सेट हो गया है, सीमा इधर है। सीमा हो गया सारा काम? हो गया, बस अभी सीमा जाएगी और क्योंकि काम हो गया है। इधर छोटू शूज पहन रहा है, देखिए मैं भी बस अभी अपने चप्पलें पहनूंगी, चप्पलें और बस निकलेंगे हम लोग। 11:05 हो गए हैं, मीशो की फ्लाइट आई थिंक 11:40 पे लैंड करेगी। तो बस अब आपको रास्ते का और मीशो से मिलने का और उसके बाद का दृश्य के लिए आप हो जाइए तैयार। तो हम लोग आ गए हैं लिफ्ट में, बस जा रहे हैं नीचे। ओके, तो निकल चुके हैं हम मीशो को रिसीव करने के लिए। मेरे साथ छोटू है जो मेरा वीडियो बना रहा है, और छोटू को मैंने अपना लैपटॉप भी दिया हुआ है क्योंकि मैं आई एम इन द ऑफिस नाउ। तो मैंने छोटू को बोला, छोटू आप लॉग इन करना जब कुछ आएगा तो, बिकॉज जो मेरे और भी कलीग्स हैं मैं उनको बता कर आई हूँ क्या क्या अभी करना है, और अगर कुछ नीड होगा तो कॉल में, तो अगर उनका कॉल आएगा तो मैं छोटू को बोलूँगी छोटू लॉग इन करो और ये काम करो। तो बेसिकली तुम 2 साल बाद जॉब स्टार्ट कर दोगे ना, मतलब 2 साल और, हाँ तो 2 साल बाद प्रोबेबली, ओम नमः शिवाय। तो ये जब कर रहा होगा तो 2 साल वाला मैं इसको अभी से ही काम स्टार्ट करवा दूंगी आज। ये पहुंचे हैं और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, आई थिंक आधा घंटा तो लगेगा ही क्योंकि ट्रैफिक भी होगा सुबह को, ट्रैफिक को कंसीडर करते हुए। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही। ओके, तो हम दोनों आ गए हैं और एयरपोर्ट के बाहर ही खड़े हैं क्योंकि अंदर जाएंगे तो हमको पार्किंग नहीं देते हैं, इतना ईजिली पार्किंग नहीं मिलती है। तो मैंने सोचा कि मतलब अगर आप तुरंत जाओगे और तुरंत लोगे और तुरंत आ जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होता है, वो आप कर सकते हो। तो हम लोगों ने एयरपोर्ट के बाहर ही पार्क कर लिया है, अब तक अंदर नहीं गए हैं। और जैसे ही अपने पीछे भी गाड़ी लग गई है, देखो नहीं ये हर जगह लगे हुए हैं कि नो पार्किंग। और जैसे ही मीशो बोलेंगे, मतलब मीशो एक्चुअली आ तो गए नीचे बट फ्लाइट से नहीं आए अभी तक, बाहर आए तो बाहर आके सामान होगा तो वो कॉल करेंगे, तब हम लोग अंदर चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हम लोग उनको पिक कर लेंगे, तुरंत आ जाएंगे। Arrive at Pune International Airport. Arrived.
फाइनली मीशो इज हियर। और मीशो ने ड्राइवर सीट ले ली है मुझसे, मुझे उधर बिठा रहे। हाँ हाँ चलिए चलो। हेलो कर दो सबको। हेलो। तो मीशो को जुकाम हो गया है बहुत ज्यादा, जैसे कि आवाज से भी लग रहा है, एंड मुझे उन्होंने कल बताया था। एंड बस अभी हम लोग जा रहे हैं। वे सुमित सुमित गया ना अभी। अच्छा जा रहा हूँ। ओके कैब से जाएगा। छोटू को लग रहा था तुमने कैब बुक कर लिया लगता है। हाँ, इसलिए तुम कह रहे हो कि अरे तुम क्यों आए। तो कैब कैंसिल कर लेते हैं। ओके तो मीशो इज बैक इन द हाउस, एंड मीशो काफी सारा सामान लेके आए हमारे लिए। देखिए अलग अलग रखा है यहाँ पे। तो कहाँ पे रखा है? ट्विन टावर। यस ये देखिए ट्विन टावर मलेशिया वाला। और मेरे लिए बहुत प्यारा सा क्लच लेके आए हैं जो मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर पार्टीज में लेके जाती हूँ। ये सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो सुमुविया को भी बड़े पसंद आई है, ये जो फ्रूट खाने के लिए रहता है ना वो है। एंड ये हर जगह जाने का स्पेशल चीज़ ओपनर, फ्रिज मैग्नेट वो है। एंड और भी बहुत कुछ चॉकलेट्स एंड ऑल सब कुछ बहुत कुछ लेकर आए हैं। तो अभी हम खाना सर्व कर रहे हैं तो मैंने सोचा आपको खाना दिखा देती हूँ। ये देखिए मेथी की सब्जी, ज्वार की रोटी, कड़ी और मिर्ची का ठेचा, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। फिर अभी सब लोग खाना खाते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो मीशो आने के बाद सो गए हैं क्योंकि वो रात भर नहीं सोए। रात में 12 बजे वहाँ से निकले थे तो उनको आने में टाइम लग गया। एंड छोटू आज जा रहा है वापस, इसको मैं रोकने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, बट आज मंडे है, इसका कॉलेज है। तो मैंने इसको कल ही बोला था कि रुक जाओ आज मामा आ रहे हैं, तो ये आज रुक गया। बट ऑफकोर्स उसकी भी क्लासेस हैं। मीशो ने भी थोड़ा इमोशनल किया सोने से पहले कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो जा रहा है, क्योंकि मीशो को थोड़ा कोल्ड हो गया है। बट इसने बोला कि मतलब क्लासेस हैं ऑफकोर्स, तो ना इसके लिए मस्त खाना बनवाया मैंने, क्योंकि ऑल दो इसके हॉस्टल में काफ़ी अच्छा अमेजिंग यम खाना मिलता है, लेकिन आई थिंक घर के खाने की बात ही अलग होती है। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मस्त आलू मटर टमाटर भी डाल दिया, टमाटर की सब्जी, प्याज, मूँगफली सब मिला के भागेश्वरी ने सब्जी बनाई है, मतलब मेड ने। एक्चुअली आलू मटर की सूखी सब्जी बोली थी वही बनाई थी, पर पता नहीं उनके दिमाग में क्या हुआ तो उन्होंने बहुत सारा पानी डाल दिया। जब पानी डाल दिया तो फिर हमने इसको सुखाने के लिए बोला, क्योंकि वो लेके जाएगा, मतलब लेके कैसे जाएगा इसलिए। एंड यहाँ पे बनी है अमेजिंग से अजवाइन वाली पूरियाँ। तो छोटू ये पैक कर रहा है, देखिए तो मीशो कुछ चॉकलेट्स लेकर आए थे, तो मैं सोच रही हूँ ये चॉकलेट छोटू को भी दे देते हैं। कुछ डिफरेंट टाइप की चॉकलेट्स हैं, शी सेल्स टाइप। किधर गए दिख नहीं रहे छोटू, कहीं छुप गया है मुझे दिख नहीं रहा है। ये मीशो का सारा सामान बिखरा हुआ है, देखिए बहुत प्यारा सा क्लच मेरे लिए लेके आए हैं। बहुत कुछ लाए थे, उनके बॉक्सेस रैपर्स हैं सब ऐसे ही, वो तो सो गए हैं और मैं अपना ऑफिस का काम कर रही हूँ बिकॉज आज काम है। ये छोटू के लिए, छोटू का स्माइली वाला ही है। बताना कैसे ये चॉकलेट। छोटू अपना सामान पैक कर रहा है, कितना सारा सामान लेके आया देखो, एक सूटकेस है पूरा येलो वाला। और एक छोटा बैग इधर, एक और बैग। ओके तो ये था मेरा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा छोटा सा ब्लॉग जब मैं मीशो को पिक करने गई थी, एंड उसके बाद कुछ भी शूट नहीं कर पाया बिकॉज मीशो वॉज नॉट वेल। तो वो उन्होंने भी आराम किया एंड मुझे भी ऑफिस का काम था तो वो किया इसलिए। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। आपको आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।